हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम कैसे हैं आप सब इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास सिक्स इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक लेसन फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स और क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आर और फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड जो दोनों छोटे बर्ड्स थे वो किस तरह एक दूसरे से अलग हुए और आंसर इज वन डे देर वॉज अस्ट्रोम इन द फॉरेस्ट एक दिन जो फॉरेस्ट था जंगल था वहाँ पे तूफान आया इट ब्लू डाउन द ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड और ब्लू डाउन होता है नीचे गिर जाना और इसके कारण जो जिस बर्ड्स पे पक्षी रहते जो सॉरी जिस ट्री पे वो पक्षी रहते थे वो वाला ट्री गिर गया द मदर बर्ड डाइड बट द स्ट्रॉन्ग अवे द बेबी बर्ड्स टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जो मदर बर्ड थी वो तो मर गई लेकिन जो दोनों बच्चे थे उनको तेज जवाओं ने फॉरेस्ट के दूसरी साइड में फेंक दिया वन ऑफ देम केम डाउन नियर केव उनमें से जो एक बर्ड था वो एक गुफा के नज़दीक आके गिरा द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइडर ऋषि आश्रम और जो दूसरा बर्ड था वो ऋषि के आश्रम के पास आके गिरा इन दिस वे द टू बेबी बर्ड्स गोट सेपरेटेड और इस तरह जो दोनों बेबी बर्ड्स थे वो एक दूसरे से सदा के लिए अलग हो गए और सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड एच ऑफ देम फाउंड अ होम दोनों को कहाँ पे आशरा मिला मतलब आश्रय कहाँ पे मिला कहाँ पे दोनों रहे आंसर इज वन ऑफ देम फाउंड अ होम इन अ ट्री नियर अ केव उनमें से एक को तो एक केव के पास एक गुफा के पास एक ट्री में अपना घर मिला द अदर बर्ड फाउंड इट्स होम इन अ ट्री और जो दूसरा बर्ड था उसको अपना घर कहाँ पे मिला बिसाइड मतलब के पास बीसाइड अ ऋषि आश्रम जो ऋषि आश्रम के पास एक पेड़ था उसमें उसको अपना आश्रय मिला और थर्ड क्वेश्चन इज वट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर को नहीं पे किसके लिए यूज हुआ ये वर्ड किंग के लिए तो जो फर्स्ट बर्ड था उसने उस स्ट्रेंजर को अजनबी को राजा को क्या कहा और आंसर इज द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट जो पहला जो पक्षी था वो चिल्लाया क्विक हरी अप जल्दी करो जल्दी करो देर इज समन अंडर द ट्री देखो कोई पेड़ के नीचे है कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स आओ इसके जो ज्वेलरी है और इसके जो इसका जो हॉर्स है उसको ले लो हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे जल्दी करो नहीं तो ये यहाँ से चला जाएगा और फोर्थ क्वेश्चन इज वट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम ये जो हिम है ये स्ट्रेंजर के लिए उसी किंग के लिए यूज हुआ है तो जो सेकेंड बर्ड था उसने राजा को क्या कहा द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग इन द आश्रम जो सेकेंड बर्ड था उसने राजा का वेलकम किया अपने आश्रम में ही आस डिम टू टेक सम रेस्ट सो दैट द किंग कुड फील कंफर्टेबल उसने कहा कि कुछ देर के लिए आराम कर लो ताकि आप थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील कर सको फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड ऋषि ने उन दोनों बर्ड्स के अलग अलग डिफरेंट 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 तरीकों को कैसे explain किया जिसमें उन्होंने बिहेव किया मतलब दोनों ने ही अलग अलग तरीके से बिहेव किया तो ऋषि ने उनको किस तरह एक्सप्लेन करके राजा को बताया द ऋषि टोल्ड द किंग दैट वन इज नोन बाई द कंपनी वन कीप्स राजा ने उसने ऋषि ने राजा को बताया कि हर कोई अपनी संगति के द्वारा जाना जाता है द बर्ड लिविंग इन द कंपनी ऑफ द रोबर्स टॉक्स लाइक ट जो बर्ड्स रोबर्स की कंपनी में रहता था वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बातें करता है ओन द अदर हैंड द बर्ड लिविंग और दूसरी तरफ जो बर्ड है लिविंग विद द रिशि हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हार्ड जबकि जो ऋषि के साथ रहता था उसने वही रिपीट किया जो हमेशा से वो सुनता था क्योंकि जो ऋषि लोग होते हैं वो तो दूसरों के साथ बड़ा पोलाइटली बिहेव करते हैं उनका वेलकम करते हैं तो जो सेकेंड वाला बर्ड था वो ऋषि की संगति में रहता है उसी की कंपनी में रहता है और उसी को इमिटेट वो करता है क्वेश्चन सिक्स विच वन ऑफ द फोलोइंग सम द स्टोरी बेस्ट नीचे जो थ्री ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस स्टोरी को सही तरीके से समअप करता है फर्स्ट है अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश सेकेंड है वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स एंड थर्ड ऑप्शन इज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डेड मतलब जो जरूरत में काम आए वही दोस्त दोस्त है लेकिन जो हमने स्टोरी रीड की है उससे हमें यही पता चला है कि हर किसी को उसकी कंपनी के द्वारा उसकी संगति के द्वारा ही जाना जाता है तो आंसर इज़ वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन किड्स हर किसी की पहचान उसकी कंपनी से उसकी संगति से होती है तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बच्चों मैंने इस जो स्टोरी की जो इस चैप्टर की जो स्टोरी है उसका जो लिंक है वो उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से स्टोरी को अच्छे से रीड कर सकते हैं हैव अ नाइस डे